मध्य प्रदेश शासन गृह जेल संसदीय कार्य और विधि विधायी कार्य विभाग के मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने श्योपुर जिले के आदिवासी विकासखंड कोराहल मुख्यालय स्थित शासकीय उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान अंतर्गत आयोजित शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया, जहां शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद, संस्कृति और सभ्यता को नए आयाम मिले हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण के अलौकिक अद्भुत कार्यक्रम सभी ने देखा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तथा महाकाल लोक का लोकार्पण, ये एक सीरीज चल रही है। ये सच है, भारतीयता, राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद को जोड़ने की, भारतीय संस्कृति और सभ्यता को जोड़ने की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को मजबूती मिली है, स्वाभिमान बढ़ा है। श्री मोदी वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं, मजबूत नेतृत्व के कारण ही विश्व में हमारी साख बनी है। वह उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि वही सरकारें चलती है जो गांव में विश्वास को कायम रखकर काम करती है। गांव, गरीब और किसानों के लिए हम काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी इस सिद्धांत पर आगे बढ़ रही है। वहीं गृह मंत्री श्री मिश्रा ने जिला चिकित्सालय श्योपुर पहुंचकर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया, जहां जिला चिकित्सालय के स्टाफ से व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा के उपरांत श्री मिश्रा श्योपुर बायपास स्थित पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास पहुंचे और छात्र छात्राओं से चर्चा कर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। इस अवसर पर उनके साथ पीडब्ल्यूडी राज्यमंत्री सुरेश धाकर, क्षेत्रीय विधायक सीताराम, आदिवासी भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजराज सिंह चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र जाट, पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य महावीर सिंह सिसोदिया, भाजपा नेता कैलाश नारायण गुप्ता, कलेक्टर शिवम वर्मा, पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार सिंह मौजूद थे। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। बंटी उपाध्याय को जानते हो आप लोग? जी पूछो आराम से, एक एक प्रश्न सब। आज आपका श्योपुर आगमन हुआ है जी, क्या कुछ खास है और क्या कुछ सौगात देने वाले हैं? अपने अस्पताल का भी निरीक्षण किया है, दूसरी जगह भी गए हैं। दूसरी जगह और भी जाएंगे। सुबह हमने मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का कार्यक्रम उसमें शामिल हुआ। माननीय सुरेश राठखेड़ा जी हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर, विधानसभाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दो दो का ग्रुप बनाया गया है, उसमें मैं माननीय सुरेश जी के साथ में हूँ। अभी सुबह उस कार्यक्रम के बाद में अभी अस्पताल का निरीक्षण किया, इसके बाद में मैं एक छात्रावास भी जाऊँगा जी, कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठने वाले हैं, भोजन करने वाले हैं। आप भी बताइए। आप प्रदेश के होम मिनिस्टर हैं, सूचना आते से पुलिस विभाग के लिए, शहर के लिए कुछ विशेष? वो भी बात करूंगा पुलिस से। दादा एक नया बयान आया, आरिफ मसूद ने जो विधायक है भोपाल में बयान दिया है कि आप विज्ञापन और फिल्में ज़्यादा देखते हैं, तो आपको फिल्म डायरेक्टर बन जाना चाहिए क्योंकि आप ही आपत्ति करते हैं, जैसे कि आमिर खान पे और कियारा के आडवाणी पे आपने किया है। अब क्या है कि उनकी उनकी पार्टी में तो कोई मानता नहीं है, अब मैं कैसे मान जाऊँ? दादा ये कहा जा रहा है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा और आपका नाम भी चर्चाओं में है, क्या कहना है? मैं किसी दौड़ में नहीं हूँ और न कोई बदलने की चर्चा है। भाई साहब चर्चा में तीन लोग यहाँ पे गिरफ्तार हुए थे, अभी जब ये पूरा कांड हुआ था 6-7 लोगों के और भी नाम आए थे, लेकिन अभी तक उन पर दोबारा कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या कोई कार्रवाई? कुल 25 लोग मध्य प्रदेश में गिरफ्तार हुए थे, पहले 4-3 इंदौर से और उज्जैन से हुए थे, उनके जो बयान के आधार पर बाकी के 21 लोग हुए थे। ये विषय सने सने जांच में है, जांच के दायरे में जो भी व्यक्ति आता जाता है उसको लिया जाता है। दादा आज आप इतने सालों बाद यहाँ श्योपुर में पधारे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ के कार्यकर्ता आपको बहुत चाहते हैं, आपके प्रति सहानुभूति रखते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं भी कार्यकर्ताओं को बहुत चाहता हूँ और श्योपुर से मेरा विशेष लगाव रहा है। दादा बीरगढ़ में पुलिस विभाग की जमीन पर एक दबंग ने कब्जा कर रखा है, उसे भाजपा ने एक पदवी दे दिया है जबकि वो एसटी सीटर है, और पुलिस की जमीन पर कब्जा है, पुलिस उसे छुड़ा नहीं पा रही है, दूसरों को न्याय कैसे दिलाएगी? जानकारी लेता हूँ मैं, आपने आज मेरा ध्यान आकर्षित किया है।